आज स्वास्थ्य मंत्रालय में डेंगू की दृष्टि से मंत्रालय एवं दिल्ली सरकार ने क्या तैयारी की है उसकी एक रिव्यू बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और तीनों ही एमसीडीज के मेयर, एनडीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एमएस मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और साथ ही साथ एनडीएमसी के और बाकी एमसीडीज के ऑफिशियल्स उपस्थित थे। इस बैठक में हम लोगों ने रिव्यू किया कि डेंगू से निपटने के लिए कैसी तैयारियां दिल्ली प्रदेश, ये दिल्ली स्पेसिफिक बैठक थी और इसके लिए दिल्ली प्रदेश की तैयारियों के बारे में चर्चा हुई। एनडीएमसी और एमसीडी ने किस तरीके की तैयारी की है इस पर भी चर्चा हुई। हम समय समय पर रिव्यू करते रहते हैं, उसी दृष्टि से ये भी बैठक बुलाई गई थी। कुल मिलाकर के हमारे सर्वेलेंस लैब्स दिल्ली में 33 हैं, 33 विच आर इन प्लेस, और साथ में एपेक्स लेबोरेटरी ऐसी दो हैं जहां पर हम इस तरह के टेस्टिंग की सुविधाओं को देते हैं। बेड्स एडिक्वेट मात्रा में सेंट्रल हॉस्पिटल्स में उपस्थित में विराजमान इसमें अवेलेबल हैं, और हमने दिल्ली सरकार को भी कहा है कि बेड्स स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें ताकि जो मरीज आते हैं उनको हम एडमिट कर सकें। साथ ही साथ यह भी हम लोगों ने एडवाइस दी है कि सभी पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हो इसकी आवश्यकता नहीं होती है इसमें, इसलिए डॉक्टर्स की एडवाइस पर जो होते हैं उनको ही एडमिट करने की दृष्टि से हम कार्य करें और बाकी जो मेडिकल एडवाइस है उसके मेडिकल एडवाइस को लोग मान करके चलेंगे तो उससे लाभ रहेगा। टेस्टिंग किट्स माकूल व्यवस्था उसकी की गई है और टेस्टिंग के दृष्टि से जो भी आवश्यक है वो हम दे रहे हैं। प्रिवेंटिव पार्ट में एमसीडीज और एनडीएमसी को ये कहा गया है कि वो कॉरपोरेटर्स के साथ मिल करके अपनी सर्विलेंस को बढ़ाएं ताकि जहां डेंगू के मच्छर और लावा इसका जहां जर्मिनेट करता है उसको हम रोक सकें और उसके लिए हम एक्टिव आईईसी का भी हम करें। एक बात हमने पहले भी कही थी, वो हमने दिल्ली प्रदेश में फिर दिल्ली सरकार को फिर से कहा है कि टेस्टिंग लैब्स में जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसकी प्राइस कैपिंग की जाए, और दिल्ली सरकार ने माना है, पिछले साल भी किया था, इस साल भी वो करेंगे। हम समय समय पर एडवाइजरीज देते रहते हैं, इस बैठक के बाद भी एडवाइजरी उसके अनुसार दी जाएगी और हम कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ताकि उनकी भी हम रिव्यू कर सकें। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की दृष्टि से किया गया है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के डेंगू को निपटने के लिए तैयार है। मॉस्किटो नेट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड एट द सेम टाइम द हॉस्पिटल्स हैव बीन आल्सो टोल्ड, बट आई हैव टोल्ड दैट द हॉस्पिटल्स शुड बी मॉस्किटो फ्री सो दैट देयर इज नो नीड ऑफ मॉस्किटो नेट। इट शुड बी द एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड वेयर देयर दैट इज मॉस्किटो फ्री। And as far as the tablets is concerned, the state government is having those tablets and they are distributing it to the through MCDs and NDMCs. These tablets are to be used only in water which is not for drinking and it for places where there is a water and there are chances of the germination of the larva. As earlier I also had said that time and again I have been saying, this year we are the Delhi government is following that the data of the patients, the registry will be done segregated. Those patients who are coming from outside Delhi are being treated here, they will have a separate list, and those who come from Delhi and they are being treated in Delhi, they will have a separate list.